afternoon, everyone. Welcome to SRS IAS and Law Academy. Myself, Advocate Nishinder. तो कल हमने कुछ बेसिक बैकग्राउंड किया था हमारे एविडेंस एक्ट का. एविडेंस एक्ट से हमने स्टार्ट किया अपना सिलेबस ADA के लिए. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रीएम्बल डिस्कस करेंगे और प्रीएम्बल से ही हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे और उसी के आगे कुछ आपको मैं इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखवा दूंगी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट करके पूछी जा सकती हैं या किसी भी तरीके से वो आपको एग्जाम में काम आएंगी. तो लेट्स बिगिन आवर क्लास. सबसे पहले कल हमने थोड़ा सा प्रीएम्बल में डिस्कस किया ही था कि प्रीएम्बल तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको यूज करती है, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड. आज हम इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और क्यों ये वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वर्ड कहती है consolidate. Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows. So, consolidate का मतलब क्या होता है? Consolidate का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, कि जितने भी scattered laws हैं पहले एविडेंस के, जो पहले के थे हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, तो जितने भी पहले एविडेंस के स्कैटर्ड लॉज थे उन सब लॉज को अब रिपील करके एक जगह पर कंसोलिडेट करके इकट्ठा करके ये जो एक्ट है ये बनाया जा रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट. तो हमारी प्रीएम्बल क्या कह रही है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कंसोलिडेटेड फॉर्म है जो पुराने एविडेंसेस के लॉज थे उनका. सो कंसोलिडेट जब हम करते हैं किसी भी लॉ को तो उसका इफेक्ट क्या होता है? कि जो हमारी जुडिशियल डिस्क्रिशन है वो खत्म हो जाती है. देखो जब हमने सारे लॉज इकट्ठे करके एक जगह पर ला दिए, एक टेबल पर रख दिए, तो हमारे जजेस को वो जो लॉज दिए गए हैं, सपोज हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो लॉज दिए गए हैं, जो प्रोविजंस दी गई हैं, उन्हीं के बेसिस पर उनको एक्ट करना पड़ेगा. उनकी जुडिशियल डिस्क्रिशन कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म हो जाती है. तो कंसोलिडेट का एक इफेक्ट तो ये हो गया कि ये जुडिशियल डिस्क्रिशन को एंड कर देती है. और जब जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड होती है तो ये क्रिएट करती है जुडिशियल रिस्ट्रेन. कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी जो है वो रिस्ट्रेंड हो जाती है कि उसको इन्हीं लॉज को, इन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करना है. एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी इसी पर, that the principles of exclusion of evidence laid down in this act must now be strictly applied and cannot be relaxed at the discretion of the court. कि अब जब हमारे पास evidence act है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो भी एविडेंस में लेड डाउन की गई हैं प्रोविजंस उन्हीं को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा और जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं की जाएगी. अपनी मर्जी से कोर्ट अब इतना लीनियंटली अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, उसको इसी एक्ट के एम्बिट्स में रहकर काम करना होगा. इसके अलावा हमने कल सेक्शन 5 भी पढ़ा था, वो भी इसी चीज को ही बता रहा है आगे. सेक्शन 5 में हमने कुछ वर्ड्स कल किए थे, एंड ऑफ नो अदर्स. कि हमारी जो जजेस होंगे वो रेलिवेंसी ऑफ एक्ट से रिलेटेड था ये,
कि जो भी 6 to 55 सेक्शंस में दिए गए प्रोविजंस हैं उन्हीं को रेलिवेंट फैक्ट्स माना जाएगा एंड ऑफ नो अदर्स। यहाँ पे भी जुडिशियल रिस्ट्रेंट लगा दी गई है कि इसके अलावा वो किसी और फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट नहीं मान सकते। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंसोलिडेशन से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जुडिशियल डिस्क्रिशन खत्म हो रही है और जुडिशियल रिस्ट्रेंट लग रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइन। प्रीएम्बल कह रही है कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड। तो डिफाइन में क्या है कि हर एक जो भी हम वेयर एक्ट देखें उसमें हर एक वेयर एक्ट में हमें एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया होता है जिसमें सारी डेफिनेशंस दी गई होती हैं। वो दिया इसलिए जाता है कि हमारे वेयर एक्ट में आगे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका हम क्या मीनिंग निकालेंगे, तो वो पहले ही वेयर एक्ट में दे दिया जाता है कि हमें किस वर्ड की किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। इसीलिए उस सेक्शन का नाम भी, उसकी हेडिंग भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज दी गई होती है। यहाँ पे भी अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखें तो सेक्शन 3 की जो हेडिंग दी गई है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, और ये जो डिफाइन है ये इसी सेक्शन 3 को बता रहा है। जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ना हम बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ हेडिंग्स दी गई होती हैं, वो हेडिंग्स क्या हैं, और जैसे हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं, हम अपने बेयर एक्ट्स में भी देखते हैं एक्सप्लेनेशंस, एक्सेप्शंस, इलस्ट्रेशंस, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई भी लॉ जो होगा, कोई भी बेयर एक्ट, वो इंटरप्रेट करना ईजी हो जाएगा। कुछ एक एक दो दो पॉइंट्स हैं सिर्फ इसी एक्ट में नहीं, और भी आपको आगे काम आएगा। तो हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस दी गई होती हैं सेक्शंस के साथ। अब ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, कई बार सोचो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर इलस्ट्रेशंस दी पार्ट ऑफ सेक्शन, तो आप क्या जवाब दोगे कि इलस्ट्रेशंस पार्ट ऑफ सेक्शन है या नहीं है, या वो सेक्शन के और एडिशन में दी गई हैं या उसी सेक्शन का पार्ट है। तो इलस्ट्रेशंस जो हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द सेक्शन। किसी भी बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन ले लो, आईपीसी में इलस्ट्रेशंस हमें दिख जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिख जाती हैं, तो इलस्ट्रेशंस जो हैं वो पार्ट ऑफ सेक्शन ही होती हैं। सेक्शन को और अच्छे से समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दी जाती है, तो ये मीनिंग ऑफ सेक्शन को क्लियर करती हैं। और दूसरा ये है कि अगर सपोज, और दूसरी चीज़ ये है कि इलस्ट्रेशंस जो हैं, ये जो मेन सेक्शन है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते उसकी प्रोविजंस को। ये पार्ट ऑफ सेक्शन तो है लेकिन ये मेन सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि इलस्ट्रेशंस हमारे सर्वेंट हैं सेक्शन के, और जो सेक्शन है वो मास्टर है। सेक्शन जैसे चाहेगा उसकी मर्जी चलेगी, इलस्ट्रेशन उसको ओवरराइड नहीं करेगी। सपोज अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है, इलस्ट्रेशन कुछ और कह रही है और सेक्शन की प्रोविजन हमें कुछ और कह रही है, तो हम सेक्शन को देखेंगे, इलस्ट्रेशन को नहीं देखेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हम लिख सकते हैं सेक्शन प्रिवेल करेगा ओवर द इलस्ट्रेशन। सेकेंडली हम प्रोविजोस देखते हैं।
सेक्शन के साथ ही प्रोवाइजो दी गई होती है, तो प्रोवाइजो भी पार्ट ऑफ सेक्शन है। प्रोवाइजो जो है वो मेन पार्ट के साथ, मेन सेक्शन के साथ अटैच होती है। तो और ये अटैच इसलिए होती है, प्रोवाइजो दी क्यों गई होती है, क्योंकि ये वेरी करती है सेक्शन की प्रोविजन से। हमने एक सेक्शन लिख दिया, साथ में उसकी प्रोवाइजो दे दी। जब हमने सेक्शन लिख दिया और प्रोवाइजो दे दी, तो उससे क्या हो रहा है कि जो सेक्शन की प्रोविजन है वो डाइल्यूट हो रही है। मोस्टली जो प्रोवाइजोज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, कि सेक्शन के नेगेटिव में जाएंगे, बट कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोवाइजो नेगेटिव ही हो, कभी कभी ये पॉजिटिव हो सकती हैं। इसके अलावा एक्सेप्शंस आती हैं, एक्सेप्शंस भी दी गई होती हैं। एक्सेप्शन, अब देखो प्रोवाइजो तो जो है ना वो एक पार्ट ऑफ सेक्शन पर अप्लाई होती है, बट ये जो एक्सेप्शन है ये पूरे सेक्शन पर अप्लाई होती है। प्रोवाइजो जो है ये हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ उसी सेक्शन की कंटिन्यूएशन है, कि हमने एक लाइन लिख दी, उसके साथ प्रोवाइजो लिख दी कि अच्छा ये होगा, लेकिन अगर ये होगा तो ये होगा, तो वो प्रोवाइजो हो गई। लेकिन एक्सेप्शन में हमने ये लिख दिया, जैसे हम मर्डर का देखते हैं, मर्डर में लिख दिया कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, फिर बाद में हम एक्सेप्शन दे देते हैं 1, 2, 3, ठीक है। एक्सेप्शन जो होगी वो फिर पूरे सेक्शन 300 IPC पे लगेगी, मर्डर पर लगेगी, ठीक है। एक्सेप्शन और प्रोवाइजो में बस इतना सा डिफरेंस है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशंस देखते हैं हम, कुछ सेक्शंस में एक्सप्लेनेशंस दी गई होती हैं। एक्सप्लेनेशन तो हम सबको ही पता है कि ये सेक्शन को फर्दर आगे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज दे दी जाती है। तो ये हमें क्या बताती हैं, डिटेल्स ऑफ अ प्रोविजन। कई बार ऐसा होता है कि हम सेक्शन में सब कुछ नहीं लिख सकते, तो हम एक साइड में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डाल के और उसमें जो डिटेल्स हैं हमारे सेक्शन की, जो सेक्शन में लिखना रह गया था वो हम लिख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्शन में हर पूरी पूरे सेक्शन पर हम वो चीज़ वो डिटेल नहीं दे सकते, बट उसके किसी पार्ट पर हमें कोई डिटेल देनी होती है, तो हम एक्सप्लेनेशन 1, 2 करके जो भी जिस भी पैरा पर एक्सप्लेनेशन लागू होती है वैसे करके एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं बेयर एक्स में। सो ये डिटेल्स बताती है प्रोविजन की, और इससे हमें क्या मिलती है, क्लैरिटी ऑफ द सेक्शन। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको इंटरप्रिटेशन में काम आएंगी। और जब आपको बेयर एक्ट पढ़ना आ जाता है ना, तो उसके बाद लॉ बहुत ईजी हो जाता है। तो बेयर एक्ट पढ़ना इन्हीं सब चीजों से आता है, जब हमें ये छोटी छोटी डिटेल्स पता होती हैं। तो इसके अलावा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास ना, अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रीएम्बल पर ही, ये तो मुझे बेसिक्स आपको बताना था। सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक बार क्वेश्चन आता है कि सपोज हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, सपोज हमें किसी चीज़ पर डिसीजन देना है और इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा मैटर आ जाता है तो हम क्या करें। तो एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोढ़ी सुखदेव सिंह, 1961 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कहती है, जस्टिस सुब्बा राव ने ये ऑब्जर्व किया था, दैट इन केस वी हैव नो आंसर इन एविडेंस एक्ट, देन द कोर्ट कैन लुक
एट द रेलिवेंट इंग्लिश कॉमन लॉ फॉर गेटिंग द ट्रू पिक्चर. इन केस हमारे पास एविडेंस एक्ट में कोई आंसर हमें नहीं मिलता तो हम क्या देख सकते हैं, कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड. अब हमने दो वर्ड्स तो डिस्कस कर लिए थे प्रीएम्बल के, कंसोलिडेट और डिफाइन. अब हम थर्ड वर्ड पर आते हैं, अमेंड. अमेंड किस चीज को किया जा सकता है, वो चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो. तो इंडियन एविडेंस एक्ट से पहले क्या कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ था एविडेंस एक्ट का, तो यहीं से ना हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं एविडेंस एक्ट की, कि पहले क्या होता था. तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट, जब अब हमारा जो प्रेजेंट का इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, ये जब नहीं आया था तो एंशिएंट टाइम्स में हिंदू लॉ था. हिंदू लॉ में भी एविडेंस का हमें हिंदू लॉ ऑफ एविडेंस था कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है. हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके बाद मुस्लिम लॉ था और इसके अलावा इंग्लिश कॉमन लॉ था. सो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ तो हम इनके सोर्सेज भी जानते ही हैं, श्रुति स्मृति धर्मशास्त्र, उन्हीं सब में हमें कहीं ना कहीं एविडेंस का जिक्र मिल जाता है कि कैसे उन टाइम्स में एविडेंस लॉ अप्लाई किया जाता था. मुस्लिम लॉ में भी उनके जो सोर्सेज है वहां से हमें पता चल जाता है. हम मेनली डिस्कस करेंगे कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड. ये तो बहुत एंशियंट हो जाएगा, ये हमारे एरिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड से. अच्छा, जो हमारे अभी का जो प्रेजेंट लॉ है ना, वो इन सब का ही मिक्सचर है. जब अंग्रेज आए थे, जब हम ये डिस्कस करेंगे तभी भी डिटेल में करेंगे, बट हमारा जो ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन सब चीज़ों का जिक्र कहीं ना कहीं हिंदू लॉ में है, मुस्लिम लॉ में है, कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड में है, हर एक चीज़ में आपको मिल जाएगा. सो अब हम कॉमन लॉ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा, हम कॉमन लॉ भी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे अभी मैं जैसे जैसे डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. तो इंग्लिश लॉ, जब इंग्लिश पीपल यहाँ पर आए थे ब्रिटिशर्स, तो हम सबको पता है कि उन्होंने तीन प्रेजिडेंसीज बनाई थी, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास. और इन्हीं के जो लॉज थे, वो लॉज ऑफ इंग्लैंड वो अपने लेकर आए थे और यहाँ पर उन्होंने वही लॉज अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए थे. तो ये जो लॉज थे, पहले तो बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा में पहले तो इन्होंने अपने लॉज वहां पर अप्लाई करने स्टार्ट किए, ठीक है, इंग्लिश लॉ. और बाकी जो जगह थी प्रेजिडेंसीज, यहाँ पर तो इंग्लिश लॉ अप्लाई होता था. और जो ऑफिसेज थे वहाँ पर मोस्टली, जैसे उस टाइम पे मुगल्स का रूल था तो मुस्लिम लॉ अप्लाई होता था, कहीं कहीं पर हिंदू लॉ अप्लाई होता था. और इन्होंने कोशिश भी की तो बहुत ना, पहले तो ऐसे, पहले जब कहीं मुस्लिम लॉ भी चल रहा है, कहीं हिंदू लॉ भी चल रहा है और कहीं पर इंग्लिश लॉ चल रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. बहुत ऐसे खिचड़ी पक रखी थी, पता नहीं चलता था कि कहां पर कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, कुछ भी चल रहा है, ठीक है. तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की. तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की इन लॉज को, तो फर्स्ट अटेम्प्ट थी 1835 में.
टू कंसोलिडेट दीज लॉज. कौन से लॉज? एविडेंस के लॉज. ठीक है, इन सब में जो जो कुछ भी आता था वो इन्होंने कोशिश की पहली बार 1835 में कि चलो इतनी खिचड़ी पक रखी है, थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं. कंसोलिडेट किया इन्होंने 1835 में. बट बट 1835 में भी एक बहुत इतना अच्छा लॉ बन नहीं पाया. ये लॉ भी जो था ये बहुत हैफजर था. तो इन्होंने फिर से कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की 1835 से लेकर 1853 तक. बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई गई. ताकि ये वाला जो लॉ था, जो हैफजर्ड लॉ था, उसको किसी ना किसी तरीके से यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया पर लागू किया जा सके. बट और वो इंडियन कंडीशंस के सूटेबल हो. बट वो भी इतना अच्छा नहीं बन पाया. तो इन सारी रिफॉर्म्स के बाद भी फर्स्ट एविडेंस एक्ट आया हमारा. इसमें क्या था? सारे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म रूल्स थे. बट अभी भी कुछ लैक कर रहा था हमारा एविडेंस लॉ. हम पूरी तरीके से एविडेंस लॉ से खुश नहीं थे. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी. तो क्या हुआ कि फिर से कोशिशें की गई 1859 में, 1861 में, ऐसे चलते 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 61 के बाद 69 चलते चलते ना बहुत सारी ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गई कि क्या करें कि हमारे पास एक अच्छा एविडेंस लॉ आ जाए. तो फिर क्या हुआ कि कंप्लीट इंडियन एविडेंस बनाने के लिए ना एक टास्क दी गई सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन. ये हमारे फादर ऑफ एविडेंस एक्ट. इन्होंने बनाया है जो हमारा आज का प्रेजेंट का इंडियन एविडेंस एक्ट है. तो इनको ये टास्क दी गई कि आप एक अच्छा सा कंप्लीट हमें इंडियन एविडेंस एक्ट बनाकर दीजिए. और इन्होंने इनकी कमिटी थी 6 जूरिस्ट की जिसके ये हेड थे. इन सब ने मिलकर लॉ लिखा जो कि हमारा आज का हम अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं ना यहाँ पर एक्ट 1 ऑफ 1872. इन्होंने ये एक्ट लिखा और इस तरीके से हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो प्रेजेंट इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आया. इस एक्ट को असेंट मिली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से उस टाइम के जो थे 15 मार्च 1872 और एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. कल मैंने आपको बताया ही था कि ये डेट इम्पॉर्टेंट है और जो सेक्शन 1 में हमारी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट दी गई है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर वो इम्पॉर्टेंट है. ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. कई बार पूछ लेते हैं हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन मैंने देखा भी एग्जाम्स में आया हुआ, तो ये आप प्लीज़ याद रखिए. इसके अलावा कल हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. एक बेस्ट एविडेंस रूल मैंने आपको बताया था, तो उतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. बट मैं आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा देती हूँ.
ये स्टेटमेंट्स आपको ट्रू एंड फॉल्स पे अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तब काम आएगी, या इन जनरल भी, क्योंकि मैंने इन स्टेटमेंट्स पे ना क्वेश्चन बनते देखे हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इस पे काम आएगा, क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ। वेयर देयर आर कॉन्टेंट्स ऑफ अ मैटर इन रिटन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म देन ओरल एविडेंस इज नॉट नीडेड। जहां पर हमारे पास कॉन्टेंट्स ऑफ मैटर रिटन या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है वहां पर हमें ओरल एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सो वेयर देयर आर कॉन्टेंट्स ऑफ अ मैटर इन रिटन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म देन ओरल एविडेंस इज नॉट नीडेड। सेकेंड स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ऐसे स्टार बना के लिख लो कहीं पर भी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑलवेज बेटर देन ओरल एविडेंस एज फार एज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर कंसर्न। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑलवेज बेटर देन ओरल एविडेंस एज फार एज द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर कंसर्न। तो यही चीज जो हमने पहले बोली कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा बेटर होता है ओरल एविडेंस से, जहां तक बात की जा रही है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। थर्ड स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट एविडेंस इज ऑलवेज बेटर देन हियरसे एविडेंस। कल हमने पढ़ा था कि जो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसने भी किया होगा उसका जो एविडेंस होगा वो बेस्ट एविडेंस होगा, और बजाय कि जो जो जिन्होंने उसे सुन सुना कर बात की होगी उनका एविडेंस, तो हम हियरसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं मानते। और उसका मैंने आपको रीज़न भी दिया था कि हियरसे एविडेंस में हो सकता है कि आपने जो चीज़ सुनी उसमें से आधी चीज़ आप भूल गए या आधी चीज़ आपने खुद से मिस कर दी, तो हियरसे एविडेंस को हम इसलिए एडमिसिबल नहीं मानते। सो डायरेक्ट एविडेंस इज ऑलवेज बेटर देन हियरसे एविडेंस, ये हम ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप फोर्थ स्टेटमेंट लिख सकते हो, एविडेंस मस्ट बी वेड एंड नॉट काउंटेड। सपोज एक मर्डर हुआ, वेट मतलब हमें उसका भार वजन देखना है, नंबर नहीं देखना, किसका एविडेंस का। सपोज एक मर्डर हुआ सिनेमा हॉल में ए का, और वहाँ पे 500 लोग थे, ठीक है, 500 पीपल ने वो मर्डर देखा। अब हम 500 to 500 सबका तो नहीं लेके बैठ सकते कि सबसे आप बताओ हमें आकर कि मर्डर कैसे हुआ कैसे हुआ, 500 लोग एक चीज़ आके बता रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगी कि जिन लोगों ने उस मर्डर को अच्छे से होते हुए देखा, सपोज स्टेज पर मर्डर हुआ तो फ्रंट रो वालों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, तो हम सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे जो बेस्ट एविडेंस होगा। यहीं पर हमारी जो हमने कल बेस्ट एविडेंस किया था वो भी आ जाता है। और दूसरा ये है कि हम सबको नहीं बुलाएंगे, वेट मतलब जो बेस्ट होगा उसको बुलाएंगे, जिसके एविडेंस का वजन होगा, सबको नहीं बुलाएंगे। हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें अच्छे एविडेंस से मतलब है जस्टिस के लिए, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, एविडेंस मस्ट बी वेड एंड नॉट काउंटेड। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप लिख सकते हो फिफ्थ स्टेटमेंट, प्राइमरी एविडेंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द सेकेंडरी एविडेंस। सो हमारा बेयर एक्ट स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनका आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने ये सब कुछ डिस्कस किया, इसके बाद हम अपना मेन प्रोविजन स्टार्ट कर देंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज से,
सेक्शन 1, सेक्शन 3, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ और फर्दर डिटेल्स हैं उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।